हमीरपुर जिला में कोविड नियमों में लगाई गई कई बंदिशों को जिला प्रशासन के द्वारा वापस ले लिया गया है, जिसमें धार्मिक आयोजनों तथा अन्य शादी आदि में लगी पाबंदी पर आंशिक छूट दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर बाजार में श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर भी छूट की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार बाबा बालकनाथ मंदिर बाजार रविवार को भी खुला रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा पिछले आदेशों में जिला भर के सभी बाजारों को शनिवार तथा रविवार को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब नए संशोधित आदेशों में बाबा बालकनाथ मंदिर बाजार को छोड़कर जिला के सभी बाजार केवल रविवार को ही बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है तथा उपमंडल स्तर पर जिला सहायता कक्ष स्थापित किए जाएंगे। इस संदर्भ में उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने बताया कि बाबा बालकनाथ मंदिर में अधिकतर श्रद्धालु शनिवार और रविवार को आते हैं, इसलिए शनिवार व रविवार को दुकानें बंद रखने का फैसला व्यवहारिक नहीं है, इसलिए रविवार को भी बाबा बालकनाथ बाजार खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में पूर्व की भांति लंगर पर प्रतिबंध जारी रहेगा और कोरोना नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। थे 10 जनवरी में वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मद्देनजर, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उनके ऑर्डर्स के मद्देनजर सभी जगह जो है लंगर्स, रिलीजियस प्लेसेस या अदरवाइज जो है वहाँ पे बंद किए गए हैं कोविड के केसेस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर। सिमिलरली उसी कारण डेउडसिद में भी जो है लंगर टेम्परेली जो है वो बंद है। टेम्पल के टाइमिंग्स या बाकी किसी चीज पे जो है फिलहाल कोई और रिस्ट्रिक्शन या कोई और चेंजेस नहीं है, लेकिन जो मंदिर का बाजार है, क्योंकि लोग जितने आएंगे वो मंदिर में यूजुअली संडेज को या सैटरडे संडेज को ही आते हैं, तो टेम्पल के बाजार को बंद रखना जो है उस डे पे व्यावहारिक नहीं हो पाता है। इसीलिए संडे के जो मार्केट क्लोजर है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें टेम्पल का जो बाबा बालकनाथ टेम्पल के परिसर के साथ जो मार्केट है, जो टेम्पल के मार्केट जिसको कहा जा सकता है ऑथराइज तरीके से, उसमें यह छूट रहेगी। और लेकिन सभी कोविड नियम अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे खास ध्यान रखा जाएगा और टेम्पल अथॉरिटीज़ और टेम्पल ट्रस्ट मैनेजमेंट को डायरेक्शंस हमने स्पेसिफिकली ये दिए हैं कि जहाँ भी ओवर क्राउडिंग लगती है वहाँ पे भी क्राउड को व्यवस्थित तरीके से घुसाने का और इमीडिएट कोई भी इस तरह के स्टेप्स लेने, ताकि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अगर कोई रिस्क लगता है तो उस हिसाब से वो मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी तरह से वो होनी चाहिए। और जैसा कि पहले भी टेम्पल्स को सेक्टर्स में बांट के भीड़ के समय पे उसका प्रॉपर जो है नियंत्रण किया जाता है, उस तरह की जो व्यवस्थाएं वो अभी भी इन प्लेस रहेंगी जब तक कि मामलों में कोई जो है वो घटते नहीं है या कोई और निजात नहीं पाया। उपायुक्त ने बताया कि हमीरपुर जिला में कोरोना की आपात स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों को गृह संगरोधक का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही सहायता पहुंचाने के लिए 1077 को फिर से सक्रिय किया गया है तथा ये नंबर पहले व दूसरी लहर में काफी कारगर साबित हुआ था। उन्होंने बताया कि लोगों की सहायता के लिए जिला के पांचों उपमंडलों में सहायता कक्ष स्थापित किए जाएंगे। पहले भी फर्स्ट और सेकंड वेव में भी काफी लोगों के लिए कारगर साबित हुआ था। हमारा जो डिजास्टर हेल्पलाइन नंबर है 1077, उसमें हमने सेकंड वेव में जब बहुत ज्यादा पेशेंट्स थे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के गाइडेंस के लिए और उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करने के लिए हमने डॉक्टर्स की मदद से एक 24 घंटे का हेल्पलाइन जो है वो शुरू किया था। सिमिलर हेल्पलाइन नंबर जो है दोबारा हमीरपुर में ज्यादा केसेस के मद्देनजर जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। साथ ही में हर सब डिविजनल लेवल पे जो है हेल्पलाइन नंबर्स या कंट्रोल रूम्स जो हैं, कंट्रोल रूम नंबर्स वो भी जारी किए गए हैं। वो हाली जल्द ही हम आप तक जो है वो पहुंचा देंगे वो नंबर्स, ताकि अपने स्तर पे ही किसी भी क्वेरी कोविड रिलेटेड, कोई परमिशंस के बारे में, कोई होम आइसोलेटेड पेशेंट को कोई दिक्कत है या कोई भी ऐसा इशू है, उस बारे में सब डिविजनल लेवल पे अपने अपने SDM ऑफिसर्स के तक भी जो है लोग इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं उनके किसी भी इशू के साथ, ताकि इमीडिएट जैसे छोटे एरिया में इस चीज के अंदर जो है अगर वो कॉल करते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाता है। तो इसके मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट के पांचों सब डिविजन्स में भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं और लोग अपने इश्यूज के साथ कॉल कर सकते हैं, और स्पेशली होम आइसोलेटेड पेशेंट्स, और साथ में परमिशन या इस तरह की जो और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं उस बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी इशू हो तो वो डेफिनेटली जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।